हे गोविंद गाड़ी भीड़ में गुरु मैं सुमरत हूँ तो ही भक्ष किया प्रहलाद का गुरु ही भरोसा मोही। रवि नाम आधार हरे रवि नाम प्रकाश नजर उठा कर देख ले प्राणी कहाँ नहीं रविदास। आज एक मसूर पड़ी इसमें भी रविदास ही है। सुबह उठकर नु कहेगी महाराज सत साहेब मेरे तो दर्द नहीं जा रहा, फिर नु कहेगी दर्द नहीं जा रहा, बाजी में सत्संग में सोरे पड़े कहाँ जाएंगे। रविदास दो जल में कमल है एक सदा सिंध भरपूर है मेरी भी पल पल खबरा ले लियो शमन दास जी निड़ हो चाहे दूर है। बोलो साधो बोलिए सतगुरु शमन दास महाराज की। तो गोरखनाथ वो सूरतनाथ अपने गुरु के ऊपर यानी गोरखनाथ के ऊपर तुम भी मार के चलता है और गोरखनाथ कहता है कि भाई कहाँ जा तू मेरा चिल्लाने का नुको मारा चिल्ला था मैं उसका जिंदा मेरी लाज रखी है। और वास्तव में गुरु ही लाज रखता है हरेक के बस की लाज रखने में कोई बात भी नहीं है। हे छोटा सा होकर बंदे रहला जगत में ये कर बुमाना रे हो जे अरे तज दह तू कर बुमाना रे हो जे हे छोटा सा बन के बंदे रह जगत में बासा हो गए जगत में अरे तजदी कर बुमाना रे हो जे अब तजदी कर बुमा रहने ना पाए तेरा तो क्या अनुमाना रे हो जे तेरा तो क्या अनुमान रे हो। बोलो सब ए छोटा सा बन के बंदे रह जगत में अरे मेरो से हो के बंदे रह जगत में तजदी करब गुमान रे हो जे ये गरब कुमाना रे हो जे। बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की। बोलिए स्वामी शमन दास जी महाराज की। समय का माहौल होता है और स्वामी शमन दास जी महाराज डंके की चोट पे हमें समझाते थे समझाते हैं हर जीव को क्योंकि सुनो गुरु महाराज का एक खेल था वो कहते थे किसी को और समझाते थे समझे ना बात। गुरु महाराज कहते थे किसी को और समझाते थे किसी और को इसलिए संत लोग समझाते हैं कहीं कहीं मुख निकाल करके। पहले वो और स्वामी शमन दास जी कहते थे भाई समय का मोल होता है जिन्हें समय पहचान लिया। एक समय वो था वो शिष्य था और एक समय वो हुआ वो अपने उसको गुरु को समझा रहा है।
क्या कहा, हाँ सत्संग कर रे सार नहीं जानी, ओ सत्संग कर रे सार नहीं जानी, अरे छोटा नहीं रे बेईमान रे, ओ क्या कहने ढोक मात्र के, संग कर रे सार नहीं जानी, तना छोटा नहीं रे बेईमान रे, हो रे भजन बनाना तेरी बन रे बंदगी, ऐ गोरखनाथ महाराज तू तांत्रिकों में पास हो सकता है लेकिन सतगुरु के सामने फैल है, वास्तव बड़े बड़े फैल है, हे भजन बनाना तेरी बन रे बंदगी, हाय भजन बनाना रे तेरी बन रे बंदगी, तुझे फिर चोराशि में जाना रे, बोलो अरे फिर चोरासी में जाना रे, हो दे छोटा सा बनते बनते रहल जगत में, तूने न सा हो के बंदे रहल जगत में, जदिए करब कुमाना रे हो जे, अब तजदी ये गरब कुमा आना रे हो जे, बोलिए सतगुरु समनदास महाराज की।
बात भी है और एक बुराई की बात भी है। समाज के लिए बहुत बुरी बात कहेगा चला सूरतनाथ उसको क्या कहा, हे साधु बना रे परसी जहो ना रे हो जी। इतना बड़ा गोरखनाथ अनुगत तुम्हारा तो न क्यों बना ले लिया, अभिमान में खो जाता हूँ। ठीक है, जिसके पास कोई पल्ला हो ना वो कहकर चल सकता है, किसी को पहन सकता है। हाँ साधु बना रे पड़ोसी जाओ नाई, अरे किसने दिया था तुझे बाना रे हो जी, आता तुझे बाना रे हो जी। ए साधु बनना कठिन दुहेला, ओ साधु बनना कठिन दुहेला, अरे जीते ही मर जाना रे हो जी, बला जीते जी मर जाना रे हो जी। ए नोटा सा बन के बंदे रह जगत में, तू निर्मल सा हो के बंदे जी ल जगत में, अब तक दिए कर आना रे हो जी, अरे तक दिए कर बगुमा आना रे हो जी। बोले स्वामी समरदास महाराज की, बोले सतगुरु रविदास महाराज की। सतगुरु की सहना रे हो जी, क्योंकि गुरु रविदास ने एक वाणी के अंदर कहा है, कही रविदास गुरु भेद बतावे, कही रविदास गुरु भेद बतावे, अनुभव से वो जाना जावे। वाणी शब्द दोहे कुछ भी ले लिए वो हमें अनुभव खुद करना पड़ेगा, कौन सी वाणी नीचे की कौन सी ऊपर की कौन सी गाय, हमें अनुभव करना पड़ेगा। आप लोगों को अनुभव करना पड़ेगा, गुरु हाथ पड़कर नहीं बताने का, या नहीं बात। गुरु ने तो एक बार वो दे दिया इशारा, कही रविदास गुरु भेद बतावे, अनुभव से वो जाना जावे, फिर 84 तक गुरु बचावे चम समझगा को संत सुझाना। रविदास जी ने कहा कही रविदास सुनो भाई साधो लखो सतगुरु की सेना, यानी कि सतगुरु तो सैनी समझनी पड़े, हमें परख करना पड़ेगा, हम परख नहीं करते। हाँ कही रविदास सुनो रे भाई साधो, ओ लखो सतगुरु की सेना रे हो जी, ओ लखो सतगुरु की सेना रे हो दास, सतगुरु की शरण में ओ सुरत दास, सतगुरु की शरण में तू फिर बाहर नहीं जाना रे ओ जी, तुझे फिर बाहर नहीं जाना रे ओ जी। छोटा सा बन के बंदे रह जगत में, तू नैना सा होकर बंदे रह जगत में, अरे तज दिए कर बगुमा रे हो जी, हो तज दिए
देख कर